काम आपकी प्रार्थनाओं से नहीं हो, उस सेवा से हो, जैसे जीवन में हो, संसार से जुड़ा हो, जो ट्रस्ट बाहर आती है बच्चे जाते हैं बाहर पढ़े। हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम कुलविंदर कौर है और चिकमो गांव के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रही कि 16 साल हो गए इनके जूटर इनके बच्चेदानी की प्रॉब्लम थी कि जब भी जे पाँव के बाहर बैठते थे, जब अपना घर का काम करते थे तो इनके जूटर इनके बच्चेदानी बाहर आती थी और जिसके कारण जे काफ़ी परेशान थे इस प्रॉब्लम से, जे तकलीफ में थे। पर इन्होंने इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं खाई, जे विश्वास में बने थे कि परमेश्वर आप इस प्रॉब्लम से मुझे फ्री कर चुके हो। और जैसे ही जे बता रही कि 2 हफ्ते पहले मैसेज दिया गया कि ऐसे भवन में ऐसे पोचा लगाना है सेवा है, तो जैसे जे सिस्टर भी उस सेवा को करने के लिए जब भवन में आए तो उन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझसे ज़्यादा टाइम पाँव के बाहर बैठा नहीं जाता, मेरी प्रॉब्लम को जानते हो और मैं आज इस सेवा को करना चाहती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि सेवा करने से परमेश्वर आप मुझे इस प्रॉब्लम से फ्री कर चुके हो। क्योंकि जी प्रॉब्लम ही ऐसी थी कि जे पाँव के बाहर जो कोई काम नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने ऐसा विश्वास किया था जो बता रहे उस दिन ही प्रभु की ग्रेस ने इनको छुआ और जो 16 साल की जो प्रॉब्लम थी इनके जूटर्स बाहर आती थी और बहुत ज़्यादा पार पड़ता था और जो बहुत परेशान थे, और परमेश्वर ने जो बता रहे कि आज पूरी तरह से 1 हफ्ता हो गया है, एक हफ्ते से प्लस टाइम ही जा रहे हैं जो पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री हो चुके। सुनो परमेश्वर को पता है कैसे चंगा करना है। जब तुम्हें सेवा के लिए परमेश्वर मैसेज देता है, सेवा है भवन में, ये काम है तुम करो, हो सकता वो जो काम आपकी प्रार्थनाओं से नहीं हुआ उस दिन सेवा से होना हो, जैसे इनके जीवन में हुआ। हाँ बोलो क्या, जो काम तुम्हारा प्रार्थना से नहीं हुआ उस दिन सेवा से होना था, जैसे इनके हुआ। 16 साल से ये प्रॉब्लम थी, यूट्रस बाहर आती, बच्चेदानी के बाहर पड़ता, पैरों के पार बैठ नहीं सकते थे, पर उस दिन भवन में आकर पोछा लगाया। किसकी सेवा की? किसकी सेवा की बोलो, किसकी की? समझ आ रही है? तुम जब तक कर्म से करके नहीं दिखाओगे तो लिखा तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। ये कर्म है, बोलो क्या है? तुम्हारा विश्वास का एक कर्म है। तुमसे तो दुनिया वाले अच्छे हैं, तुम्हारे मन में नहीं आता हम भी सुबह जाकर कभी अर्ली मॉर्निंग जाकर कोई झाड़ू लगाएं, कुछ करें, कोई बाथरूम धोएं, कुछ करें, कोई सेवा करें। दुनिया में तो जाकर देखो कैसे होता है, क्योंकि एक्चुअल में आपको रोकने वाला रोकता है। उसे पता है कि तुम प्रभु की सेवा करोगे। हाँ क्यों, यीशु ने कहा था जो मेरे पिता का आदर करता है वो मेरा भी करेगा और जहां मैं हूं मेरा जन्म भी होगा, जो मेरी सेवा करेगा। कुछ लोगों से मुझे क्या पता होगा कि नहीं, कई बार कुछ काम आपकी प्रार्थना से भी नहीं होते, आपके बोने से हो जाती। आपने बोया और खुदा ने रास्ते खोल दिए, आपको चंगा कर दिया। ऐसी टेस्टामनी भी हमने सुनी, गवाहियां सुनी। हाँ ऑपरेशन करवा लिया फिर भी हल नहीं हुआ, पर जैसे ही बोने का वर्ड खुदा ने शब्द दिया तो बीमारी क्या होगी, प्रॉब्लम उससे ज्यादा बढ़ गई, पर क्या हुआ? परमेश्वर जानता उसने कैसे चंगा करना है। इसे जब जब भी परमेश्वर आपको वचन देता, जो जो भी आज भवन का ये काम है, आज ये करना है, टेंट फट चुका है, हमने मैट लेकर आने हैं, साउंड लेकर आना है, ये काम करना है, तुम फट से तैयार हो जाओ। तुमने अपने से थोड़ी ना करना है, वो तुम्हें देगा। क्या देगा? वो तुम्हें देगा। आमीन आमीन। अरे 16 साल की उस दिन आके भवन में सेवा की तो क्या हो गया, आज आपके सामने है। अभी तो कुछ नहीं है, कितने दिन हो गए आज? कितने दिन हो गए पापा जी? 2 हफ्ते
दो हफ्ते पहले थे इस भवन में, उस दिन पर्सनल मीटिंग थी मंडे की। हाँ, तो अभी एक हफ्ता प्लस टाइम ही जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पिछले थर्सडे बताया था फिर उनको। हाँ, देखो इसलिए कर्म करो, बोलो पड़ोसी अपने को कर्म कर, उसकी सेवा कर, वो तुझे भी चंगा करेगा और तुझे भी ब्लेस करेगा। आमेन। तारीफ करो जोर से। ओ यीशु जी तेरा पल्ला झुके तंगी हो गईया, तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला, तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला, यीशु जी तेरा पल्ला झुके तंगी हो गईया।